अनूपपुर जिले के ग्राम देवगवा के रईस मिल में कार्य करने वाले मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। मिल में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का ना होना उसकी मौत का कारण माना जा रहा है। पुलिस जांच कर रही है। गरीब मजदूर मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने रईस मिल जाकर प्रदर्शन किया और उसके परिवार के लिए मुआवजा देने के लिए मांग की है। अनूपपुर जिले के ग्राम देवगवा में रईस मिल के अंदर दरवाजे में अचानक करंट आ जाने से मूलचंद केवट की मौके पर ही मौत हो गई। मिल के मालिक रविंद्र अग्रवाल बताए जा रहे हैं, मिल में मजदूरों की सुरक्षा की बात करें तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। मूलचंद की मौत का कारण पर्याप्त सुरक्षा का ना होना माना जा रहा है। उसकी मौत के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग की है। बताया जा रहा है कि इनके दो छोटे बच्चे हैं और कमाने वाले सिर्फ वही थे। थाना कोतमा ने जीरो में केस कायम कर थाना भालूमाड़ा को डायरी सौंप दी है। मूलचंद के अंतिम संस्कार के लिए रईस मिल प्रबंधक ने लकड़ी तथा नाम भर का राशन दिया है। वहीं जब मीडिया पहुंची तो देखा कि एमपीईबी के कर्मचारी कटे हुए केबलों को टेप लगा रहे थे और उनके पास भी सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं थे। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि मिल प्रबंधक की लापरवाही रही होगी, इसलिए आज तक कटी हुई मेन केबल खुले में पड़ी रही। अब देखना है कि इस पीड़ित गरीब परिवार को शासन प्रशासन से क्या न्याय मिलता है। अमलाई से पंकज राव की रिपोर्ट। बिजली के वहाँ से करंट मार दिया। करंट मार दिया। हाँ। और वो एक्सपायर में खत्म हो गए। हाँ, शरीर को खर्च हुआ तो खत्म हो गया। अभी तक आप लोगों को कुछ दिया गया? कुछ नहीं दिया है। एक बोरी चावल दी है और 10 किलो दाल। अच्छा, 10 किलो दाल और एक बोरी चावल। हाँ। बस दाह संस्कार के लिए और क्या दिए? कुछ नहीं। अच्छा, लकड़ी वगैरह? लकड़ी दी है तो मैं कहा। हाँ, माता राम बताइए, लड़का क्या लगता था आपका? वो लड़का या दादा? अच्छा, लड़का था आपका। हाँ। ये कब खत्म हुआ? 6 बजे फोन आई। हाँ। यहाँ ले गए तो मोर पुता उठे किड़ रहा है तो मैं मुँह पता ही तो माँ किलर के रो गए कहाँ चप्पल कहाँ का मोह रोए लागो मोह को ले जाइए मोर नाती फिर पानी बरसत ले गए है। और वो काम कहाँ करता था? काम करे ही है। कहाँ? राइस मिल में। राइस मिल में? हाँ। किसका राइस मिल है? राइस मिल बोखरे ना हो, मैं नहीं जानो का नाम। मनोज अग्रवाल, विधायक। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिहारी लाल केवट। अच्छा, ये घटना के वक्त आप थे क्या यहाँ? घटना के वक्त नहीं था, जो उसने आवाज दिया तो आवाज में जब सुनाई दिया तो जो चौकीदार यहाँ है यादव, वो दौड़ा। इसके बाद मैंने देखा तो वो दरवाजा पकड़ रहा और जैसे इसके बाद ये जो श्यामलाल ऑपरेटर हैं लाइन काटे हैं और लाइन काटने के बाद उसने जैसे वो मौके में आया तो वो गिर पड़ा। अच्छा, गिर पड़ा जी। अच्छा, ये काम कहाँ करते थे? राइस मिल। ये किसका राइस मिल है? राइस मिल रविंद्र अग्रवाल। अच्छा, अभी तक में उनको कोई सहायता राशि प्राप्त हुई? अब सहायता राशि शाम को वही एक बोरी चावल दिया गया है, बाकी मेरे जानकारी में नहीं। और जो है दाह संस्कार की लकड़ी दी है 5 क्विंटल। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा लल्ली भाई नाम। लल्ली भाई, ये घटना के वक्त आप थी क्या यहाँ? हम नहीं थे। कहाँ थी आप? अंदर बोरी छापते थे। बोरी छाप रहे थे। ये व्यक्ति यही काम करता था राइस मिल में? हाँ, यही करता था। क्या नाम था उस व्यक्ति का? फूलचंद। पूरा नाम क्या? मूलचंद। ये खत्म कब हुआ? खत्म 6 बजे हुए। 6 बजे कब? कल परसों? कब? परसों खत्म हुआ था। और हादसे के बाद फिर क्या किया गया उसे? अब हम लोग दौड़े तो गोड़ कर रख दें, हाथ कर रख दें कि ये कुछ बच जाए। हाँ। तो फिर हम वहाँ पेट का छुए तो खर सांस कुछ न चला। कुछ न चला, यानी इस पार्ट में ही खत्म हो चुका था। हम खत्म करने जाने की खत्म कहीं नहीं, सांस वगैरह नहीं चल रही थी। अच्छा, क्या नाम है आपका? किस गांव के रहने वाले हैं? डोंगरी टोला जाइ। अच्छा, ये बताइए राइस मिल में क्या ये जो अभी हादसा हो गया परसों, इस पे क्या कहेंगे आप? हो गया, सोच रहा हूँ कि परसों खत्म हो गया 5-6 बजे के लगभग। अच्छा, तो इसमें अभी तक उसको कुछ मुआवजा वगैरह? मुआवजा वगैरह वही कल शाम को देखे, 50 kg का चावल दिए हैं और दाह संस्कार किए। इसमें मजदूर कहाँ कहाँ के काम करते हैं राइस मिल? और मैं नहीं जानता, गांव के हमारे यहाँ के काम 2-4 आदमी काम करते हैं, जानता हूँ मैं, बाहर के आदमी नहीं जानता। जानकारी मिली कि अगर काम करने नहीं आते तो जबरदस्ती भी लेके आ जाते हैं? और तो मेरे को नहीं मालूम। अच्छा।